तो बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी को लेकर सियासत जारी है। शिक्षा विभाग द्वारा दो कैलेंडर जारी किए जाने पर AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने KK पाठक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों का ताल्लुक देखा जाए तो पर्व त्यौहार से है, मुस्लिम और हिंदुओं की छुट्टी पर अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंस हमेशा रहा है। उन्होंने जदयू और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों माइनॉरिटी को लेकर खेल खेल रहे हैं। माइनॉरिटी के 3,60,000 नौकरियां में से सिर्फ 1.5 लाख नौकरियां मिली है, ऐसा छुपाने के लिए यह खेल खेला जा रहा है। से है जो बीजेपी के लोग, बीजेपी को मामला ये है कि माइनॉरिटी के बारे में उनको भी इंसाफ नहीं करना है तो वो इसको हिंदू कार्ड बनाकर ये खेल रहे हैं। दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के लोगों के मुफाद से। पर कहा जा रहा है कि KK पाठक तो कहीं ना कहीं बिहार के एजुकेशन सिस्टम को संभाल रहे हैं ना, सुधार रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। अरे भाई ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है भाई, इसमें अगर सुधार की जरूरत हो तो सुधार भी कर लेगा। न मीडिया का मुद्दा है ये, न सरकारों को ये करना चाहिए, न आवाम को इसमें वावेला मचाना चाहिए। अरे सबरात की छुट्टी तो मुसलमानों की भी काटी है लेकिन उस वावेला नहीं है। इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं लेकिन दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के इशू से। माइनॉरिटी का इशू ये है बिहार में जाति आधारित गन्ना के बाद माइनॉरिटी की इस 3,60,000 नौकरी में सिर्फ 1.5 लाख नौकरी जो मिली है उसी को छुपाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये समझ रहे कि माइनॉरिटी उर्दू के मामले में खुश हो जाएंगे और बीजेपी ये समझ रहे कि इस मामले से हम हिंदू कार्ड खेल लेंगे। दोनों खेल रहे हैं ये लोग। अख्तरुल जी एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से KK पाठक एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो जो लेफ्ट के दल के लोग हैं वो लोग सवाल खड़े करें कि कहीं ना कहीं ये अफसरशाही बिहार में। देखिए मैंने कहा था 2012 में सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है तो जापान में तो 50-60 साल के बाद प्रदूषण खत्म हुआ था, विकलांगता खत्म हुई थी, लेकिन बिहार के शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है 200 साल तक आने वाली पीढ़ी मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाई। और मेरी बात बिल्कुल सही है कि 1,70,000 जहाँ वैकेंसी हो, जिस राज्य में बेरोजगारी हो वहाँ 1,20,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें से भी समझिए कि आधे जो टीचर पहले से हैं वही कर रहे हैं। तो शिक्षा जगत को कहीं ना कहीं चौपट कर दिया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कॉलेज में एडमिशन का सिस्टम इसने ऐसा कर दिया है कि जिस बच्ची का अपना घर में आज के दिन में जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है कोई बच्ची जा सकती है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर पर उनको कॉलेज दिया जा रहा है। तो ये लोग कहीं कुछ भी नहीं कर रहे। KK पाठक जी